हेलो स्टूडेंट आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इसके अंदर हम निम्नलिखित जो फॉलोइंग टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जैसे कि एटीपी क्या होता है एटीपी टी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी माइक्रोकोन्टे का उसका अल्ट्रास्ट्रक्चर जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप्स का होता है एरोबिक और नॉन एरोबिक और रेस्परेशन का सिग्निफिकेंस तो जो रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या होता है कि एनर्जी इज स्टोर्ड एज ए ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट प्लांट के अंदर जो एनर्जी है वह ऑर्गेनिक फूड के रूप में स्टोर होती है एनर्जी इज रिलीज व्हेन ऑर्गेनिक फूड इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द रेस्परेशन श्वसन के दौरान श्वसन के दौरान ऑर्गेनिक फूड ऑक्सीडाइज होता है जिसके दौरान एनर्जी उत्पन्न होती है पोटेंशियल एनर्जी इन फूड इज कन्वर्टेड इन द काइनेटिक एनर्जी जो फूड के अंदर स्थित ऊर्जा होती है वह रेस्पिरेशन के दौरान काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है एनर्जी रिलीजिंग एंड एनर्जी सप्लाइंग प्रोसेस उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं एनर्जी रिलीज दो प्रकार से रिलीज होती है हीट एनर्जी के रूप में और केमिकल एनर्जी के रूप में परिभाषा इट इज़ एन इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटांस विद स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी जो रेस्पिरेशन है ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो रेस्प ये रेस्परेशन है ये बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स जटिल ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं वह सिंपल ऑर्गेनिक पदार्थों में टूटते हैं और स्टेप वाइज स्टेप वाइज एनर्जी रिलीज होती है तो रेस्पिरेशन के अंदर जो मेन मटेरियल होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है इसके अंदर बाई प्रोडक्ट के अंदर थर्टी एट या सिक्स किलो कैलोरी जूल एनर्जी रिलीज होती है और बाई प्रोडक्ट सी ओ टू बनता है ये रिएक्शन है जिसके अंदर जो ग्लूकोज प्लस यहाँ सी ओ टू की जगह ऑक्सीजन आएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर पानी और सी ओ टू गैस बनाते हैं जो पानी तो उत्पाद बनता है और सी ओ टू गैस रिलीज हो जाती है और सिक्स एटी सिक्स किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है रेस्परेशन दो तरह का होता है गैसियस एक्सचेंज और कैटाबॉलिक प्रोसेस गैसियस एक्सचेंज के अंदर दो तरह से प्रोसेस होता है एक्सटर्नल रेस्परेशन और इंटरनल रेस्परेशन एक्सटर्नल यानी बॉडी के आउटसाइड इंटरनल यानी बॉडी के अंदर और कैटाबॉलिक प्रोसेस में भी दो तरीका प्रोसेस होता है एक्सरगोनिक प्रोसेस और फॉर्मेशन ऑफ वाटर पहला है एरोबिक रेस्परेशन रेस्परेशन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं तो यह है, दो प्रकार का होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक यानी कि कोई भी ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है इसके अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और थर्टी एट ए टी पी रिलीज इसमें होते हैं एन एरो रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की, की अनुपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है इसके अंदर जो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो पार्शियल होता है यानी अधूरा ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से जो उत्पाद बनते हैं वो इथाइल एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज होती है और दो एटीपी टी इस प्रोसेस में बनते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंस रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से जो मेन 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 जो प्रो वो सब्सटेंस होते हैं कि कौन से पदार्थ होते हैं जिनसे रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर ऑक्सीडाइज उक, इन सेलुलर रेस्परेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी आर कॉल्ड रेस्पिरेटर सब्सटेट ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में और जिनसे एनर्जी रिलीज होती है उन पदार्थों को रेस्पिरेटरी सब्सटेट कहा जाता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज फैक्टोस स्टार्च ग्लाइकोजन और सुक्रोज सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट यूज होता है वो होता है ग्लूकोज फैट्स जैसे कि अनसेचुरेटेड फैट्स जब कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है तो फैट रेस्पिरेटरी सब्सिटे सोर्स के रूप में यूज़ होता है और प्रोटीन प्रोटीन तब यूज़ होता है जब स्टारवेशन यानी भूख की कंडीशन होती है या भूख की कंडीशन में प्रोटीन का यूज़ होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में एटीपी ए टी पी इज एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड विच स्टोर बायोलॉजिकली यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी सब जानते हैं कि आई टी पी बाजिकल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है यूनिवर्सल कैरियर ऑफ केमिकल एनर्जी इन लिविंग वर्ड्स एनर्जी एमरजेंस करेंसी ऑफ द सेल एंड एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए इज हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म ए एंड ए जब एटीपी का हाइड्रोलाइजर होता है पानी की उपस्थिति में तो ये ए बनाता है और एक इनऑर्गेनिक सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलोरी एनर्जी इसमें रिलीज होती है अब हम पढ़ते हैं माइट्रोकोंडिया के बारे में क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें माइट्रोकोंडिया का भी बहुत अहम रोल होता है माइट्रोकोंडिया के बहुत सारी इसमें पढ़ते होते हैं इसमें आउटर मेमरन होता है उस आउटर मेमरन में ये परमिएबल होती है जिसके अंदर फोर्टी परसेंट लिपिड्स होता है और सिक्सटी परसेंट प्रोटीन होता है इनर मेम्ब्रेन में एट्टी परसेंट प्रोटीन और ट्वेंटी परसेंट लिपिड्स होते हैं और यह सेलेक्टिवली परमिएबल होती है इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी होते हैं जो कि फोल्डेड होते हैं मैट्रिक्स के अंदर इट इनक्लोज ए नैरो स्पेस कॉल क्रिस्टल स्पेस और इट कंटेन एंजाइम फॉर द रेस्पिरेशन क्रिस्टी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इट प्रजेंट ऑन द इनर सर्फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन जो माइट्रोकोंडिया के इनर मेम्ब्रेन होते हैं उसकी इनर सरफेस पर एलिमेंट्री पार्टिकल पाए जाते हैं जिन्हें एफ वन पार्टिकल या ऑक्जिजोम कहा जाता है जिसकी रेंज टेन टू दावर फोर टू से लेकर टेन टू दावर फाइव तक होती है माइट्रोकोंडिया की जो आउटर मेम्बरेन होती है उसके बीच में एक गैप होता है आउटर आउटर चैम्बर होता है जिस इट प्रेजेंट बिटवीन द आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक चैम्बर होता है जिसे आउटर चैम्बर कहा जाता है इट फिल्ड विद द वाटरी फ्लूड एंड फ्यू एंजम इस चैम्बर के अंदर वाटर होता है और कुछ एंजैम्स पाए जाते हैं इट टेम्परेली स्टोर ए टी पी मोलिकोल आफ्टर द सिंथिस ऐसे ही इनर चैम्बर होता है सेंट्रल कैविटी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियन फिल्ड विद मोर डेंस सेमिस फ्लूड ग्रेन्युलर मैट्रिक्स ये अंदर की केंद्र की कैविटी होती है जिसके अंदर सेमी फ्लोइड ग्रेन्युलर मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं दो टू टू सिक्स से उसमें सेमी सर्कुलर डबल सर्क डबल स्टैंडर्ड डी एन ए भी पाया जाता है इनर चैम्बर में ये माइट्रोकोंडिया का डायग्राम है इसका ये टी एस लिया हुआ है जिसके अंदर इसके बाहर की आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है अंदर होता है ये सर्कुलर डीएनए एन ए से माइट्रोकोंडल डी कहा जाता है मैट्रिक्स के अंदर साइकिल ऑपरेट होता है जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे अंदर का जो स्पेस होता है मैट्रिक्स कहा जाता है फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसको क्रिस्टिक कहा जाता है तो ये जनरल डायग्राम होता है माइट्रोकोंडिया का एरोबिक रेस्परेशन एरोबिक रेस्परेशन इज कम्प्लीटेड इन ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सीन जिसे एसिटाइलेशन भी बोलते हैं साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन सब चारों टॉपिक के बारे में हम बाद में डिटेल से एक एक के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे अब है एरोबिक रेस्पिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या यूज़ है इसका तो जो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसे थर्टी एट ए उत्पन्न होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में सिक्स एटी सिक्स किलो कैलोरी किलो एनर्जी उत्पन्न होती है ऑफ द ओनली टू सेवेंटी सेवन पॉइंट फोर किलो कैलोरी एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द ए टी पी जो बाकी की जो एनर्जी होती है वो हिट के फॉर्म में रेस्परेशन में बाहर निकल जाती है बॉडी से और इसकी टोटल जो एफिसंसी होती है एरोबिक रेस्परेशन की वो केवल फोर्टी परसेंट ही होती है दूसरा एनोरोबिक रेस्परेशन का तो यह एक पार्शियल या कह सकते इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड फूड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन करता है जिसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन कॉल एनारोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऐसे जीव जंतु या माइक्रोब्स जो भी है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें एनारोब्स कहते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज नोन एज फर्मेंटेशन जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फर्मेंटेशन में भी इस्तेमाल होते हैं इसमें कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होता और केवल दो ए टी ही बनते हैं जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में थर्टी एट मोलिकल्स थर्टी एट मोलिकूल्स ए बनते हैं अब लास्ट में है जो रेस्परेशन होता, होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है तो इट इज़ द रिलीज ऑफ एनर्जी रेस्परेशन से एनर्जी रिलीज होती है रेस्परेशन से एटीपी का फॉर्मेशन होता है स्टेप बाई स्टेप एनर्जी रिलीज होती है बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बायोसिंथेसिस होता है जो इन रेस्परेशन के अंदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं उनका भी बहुत अहम रोल होता है ऑक्सीजन और सी का बैलेंस बना रहता है और फर्मेंटेशन में भी रेस्परेशन का बहुत अहम रोल होता है तो आज हमने रेस्परेशन के बारे में केवल जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त करी है नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन में कौन कौन से एरोबिक और, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो रेस्पिरेशन में यूज़ होती है और उनमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं कैसे ये कहाँ कहाँ ऑपरेट होती है इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थैंक यू